आज इस वीडियो में हम निदर्शन पर चर्चा करेंगे। निदर्शन जिसे अंग्रेजी में सैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निदर्शन जहाँ तक है कोई सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण की एक हम कहें तो एक आधारशिला है। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है, ये निश्चित करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों को संकलन करेगा, जानकारी एकत्र करेगा या उनमें से कुल सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर सॉरी कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। और दो प्रकार से जो आंकड़े एकत्रित करने की जो साधन हैं, जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, वो हैं पहला संगणना विधि द्वारा और दूसरी जो विधि है वो है निदर्शन विधि द्वारा। तो यहां हम थोड़ा पहले देखेंगे कि संगणना विधि क्या है। संगणना विधि में अनुसंधानकर्ता जो होता है जहां तक समग्र या हम कहें कि संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है और वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य संपर्क स्थापित कर ये जानकारी प्राप्त करता है। जैसे हम उदाहरण लें तो हमारे देश में जो प्रतिवर्ष जनगणना जो होती है वह इसी विधि के माध्यम से की जाती है। जनगणना में संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन का एक दूसरा तरीका जो है जहाँ समग्र में से कुछ इकाइयों को एक प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है और उनके आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है, इसी निदर्शन विधि के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ बतौर उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी महाविद्यालय के छात्रों के किसी कोई बर्निंग टॉपिक है उस पर यदि हम विचार जानना चाहें तो संगणना विधि में हमें महाविद्यालय के सभी छात्रों से संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्र करनी होगी। वहीं जब हम निदर्शन पद्धति का वहां प्रयोग करते हैं तो वहां हम क्या करेंगे, कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर जो कहेंगे कि एक हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से जब हम अध्ययन करेंगे तो वह निदर्शन पद्धति कहलाती है। संगणना पद्धति का जहां तक सवाल है तो हम कहें कि संगणना पद्धति अध्ययन की वह विधि हो सकती है जिसके अंतर्गत समग्र अथवा क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन कर सूचना एकत्र की जाती हैं। अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के प्रारंभिक वर्षों में जहाँ तक हम देखते थे तो वहाँ संगणना पद्धति का ही प्रयोग किया जाता था। और आज भी जिन विषयों के बारे में जहाँ हम चाहते हैं कि पूर्ण शुद्धता से हमारा निष्कर्ष निकले, हमारी पूर्ण शुद्धता के रूप में रिपोर्ट आए, तो वहां संगणना विधि का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका सबसे अधिक जो प्रयोग हमने अभी बताया कि जनगणना में होता है जहां प्रत्येक परिवार से मिलकर यानी वहां उनके आंकड़े एकत्र करने होते हैं। तो सबसे अच्छा ये उदाहरण हम संगणना का लेते लें तो वहां जनगणना जो हमारे भारत में हर 10 वर्ष के अंतर से होती है
उस संगठना विधि के माध्यम से वहां सर्वेक्षण होता है। तो संगठना विधि का जहां तक हम महत्व की बात करें, गुणों की बात करें, तो इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो वहीं कुछ हम इसके दोष भी देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला जो इसका जो गुण है या महत्व है वो है सूचनाएं अधिक विश्वसनीय है। संगणना विधि के द्वारा जब किसी भी अनुसंधान जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं या सूचना एकत्र किए जाते हैं वे अधिक विश्वसनीय होते हैं। हम कह सकते हैं वे अधिक परिशुद्ध होते हैं, अधिक विशुद्ध होते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जब प्रत्येक इकाई से मिलकर जब हम अध्ययन सूचना एकत्र करते हैं तो वहाँ निदर्शन पद्धति की तुलना में अधिक विश्वसनीयता हमें देखने को मिलती है। दूसरा गुण के बारे में हम बात करें तो संबंधित समस्या के समस्त पक्षों की सूचना प्राप्त होती है। संगणना विधि में या संगणना विधि के माध्यम से जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो यहाँ प्रत्येक इकाई के बारे में जो विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप यानी समस्या से संबंधित जो जितने भी पक्ष हैं वो सभी पक्ष उसमें शामिल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि समस्या से संबंधित कोई भी पक्ष यहाँ छूटता नहीं है। तीसरे रूप में हम देखें तो विभिन्नता वाली इकाइयों के लिए उपयोगी विधि, तीसरा गुण हम इस रूप में भी देखते हैं कि जब क्षेत्र की इकाइयों में जब अनेक विविधताएं हमें देखने को मिलती है, अनेक विभिन्नताएं जहां हमें देखने को मिलती हैं तो वहां संगणना पद्धति अध्ययन की एकमात्र उपयुक्त पद्धति होती है। क्योंकि जहाँ तक निदर्शन विधि की जब तक हम बात करते हैं तो निदर्शन पद्धति वहाँ कारगर होती है जहाँ समग्र की इकाइयों में समानता अधिक है, लेकिन जहाँ समानता नहीं है, जहाँ समरूपता नहीं है, यहाँ इकाइयों में विविधता है, तो वहाँ ये जो संगणना विधि है यही उपयोगी साबित होती है। तो ये संगणना विधि के गुण हैं। कुछ संगणना विधि के दोष भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर पद्धति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी अवश्य होती हैं, कुछ इसकी कमियाँ भी होती हैं। तो यहाँ भी जब हम कमियों के बारे में इसकी चर्चा करें तो पहली जो कमी है इसकी वो है विशाल क्षेत्र में अनुपयोगी। विशाल क्षेत्र में अनुपयोगी से तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र मान लो बहुत बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है, तो वहाँ क्या होता है कि प्रत्येक यानी क्षेत्र के प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना असंभव होता है। वहाँ संभव नहीं हो पाता कि हम प्रत्येक इकाई से वहाँ संपर्क स्थापित कर लें और उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। तो ऐसी स्थिति जब अनुसंधानकर्ता के सामने आती है तो वहाँ फिर उसको संगणना के स्थान पर निदर्शन पद्धति का ही चुनाव करना पड़ता है। जहाँ हमारा क्षेत्र छोटा है तो वहाँ उसके लिए तो ये उपयोगी होती है, लेकिन जहाँ क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, इकाइयाँ हमारी दूर दूर सुदूर फैली हुई हैं तो वहाँ उनसे संपर्क करना बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में ये पद्धति जो है, ये विधि जो है वो काम नहीं करती है। दूसरी बात है इसमें खर्चीली विधि। खर्चीली विधि से यहाँ तात्पर्य ये है कि मान लो क्षेत्र हमारा विशाल है और विशाल क्षेत्र में दूर सुदूर जो क्षेत्र हमारी इकाइयाँ उपयोगी हैं और उन सभी इकाइयों से वहाँ मिलना अनुसंधानकर्ता का आवश्यक भी है, तो यह एक उसके लिए खर्चीली विधि साबित होती है। जो संगणन पद्धति में अध्ययन करने में जो अनुसंधानकर्ता जब जानकारी एकत्र करने जाएगा, इकाइयों का तथ्य एकत्र करने जाएगा, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वो प्रत्येक इकाई से जाकर संपर्क करे और संपर्क करने के बाद में वह वहाँ पर तथ्यों को एकत्र करे। तो वो एक जो है उसका आने जाने का जो खर्चा है या हम कहें कि समय है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये भी एक इसका दोष है।
ये जहाँ तक है सरकारी जो जो जनगणना इत्यादि जो होती हैं उसी में ये काम कारगर होती है पद्धति, बाकी अनुसंधान कार्यों में ये बहुत ही खर्चीली साबित होती है। दूसरी बात इसके साथ तीसरी बिंदु इसमें बताया कि अधिक समय भी इसमें लगता है। अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ समग्र की जो प्रत्येक इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाइयों से मिलकर संपर्क करना है, उनसे मिलना है, संपर्क करना है, और संपर्क करने के साथ साथ उनको तथ्य इकट्ठे करना है। तो जब प्रत्येक इकाई से जब हम मिलकर तथ्यों को इकट्ठा करेंगे और जहाँ क्षेत्र हमारा बहुत विशाल है, इकाइयाँ हमारी बहुत दूर दूर फैली हुई हैं, तो उनसे जब तथ्यों को एकत्र करने हम जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ अनुसंधानकर्ता के लिए समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ एक समय की समस्या है कि जहाँ हमारे शॉर्ट टर्म में हम यदि किसी अनुसंधान कार्य को करना चाहते हैं तो संगणना विधि को अपनाकर वो छोटे से समय में उसको कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। अगले जो दोष के रूप में बताया है अधिक श्रम व संगठन, एक इसका दोष ये भी बताया है कि संगणना विधि एक ऐसी विधि है जहाँ समय धन के साथ साथ यहाँ श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है। श्रम से यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ अनुसंधानकर्ता को जब तथ्यों को एकत्र करता है, उनको संकलन करता है, तो उसके लिए उसको अनेक अन्वेषकों की, अनेक कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है जो सुदूर क्षेत्र में फैली हुई इकाइयों से मिलकर संपर्क कर उनसे तथ्यों को एकत्र करता है। तो कहने के यहाँ मतलब ये है कि ये जो एक पद्धति है उसमें अधिक श्रम भी लगता है, अधिक श्रम के साथ साथ उन श्रमों जो भी यानी जो उसके कार्यकर्ता हैं एक उनमें एक संगठन स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है कि उन लोगों से हम किस प्रकार से काम लें जो हमारे जो तथ्य हैं वो विश्वसनीय एकत्र होकर आए, तो यह भी एक समस्या यहाँ पर पैदा हो जाती है। और अंतिम एक दोष इसमें कमियाँ एक इसकी और बताई है वह है अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य। इसका यह तात्पर्य है कि यदि किसी अनुसंधान में इकाइयों में बहुत अधिक जहाँ सजातीयता है तो वहाँ निदर्शन विधि द्वारा ही हम अनुसंधान का कार्य या सर्वेक्षण का काम कर सकते हैं। तो वहाँ उसके लिए मान लो इस प्रकार की प्रकृति हमारी इकाइयों की, तो वहाँ इसकी कोई उपयोगिता फिर साबित नहीं होती है। वहाँ हम निर्देशन पद्धति के माध्यम से, निर्देशन विधि के माध्यम से कुछ इकाइयों को चुनेंगे और कुछ इकाइयों को चुनकर उनसे तथ्यों को इकट्ठा करेंगे और उन तथ्यों के आधार पर ही हम संपूर्ण समग्र पर उसका जो निष्कर्ष है उसको लागू करेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जहाँ समग्र की इकाइयों में बहुत ज़्यादा सजातीयता है, बहुत ज़्यादा समानता है, तो वहाँ संगणना विधि के माध्यम से ये अनुसंधान का कार्य करना हम कह सकते हैं कि एक मूर्छापूर्ण हो सकता है। जहाँ अधिक समय लगता है, अधिक श्रम लगता है, अधिक धन भी लगता है, तो ऐसी जब अनुसंधान की कोई प्रकृति है तो उसमें भी ये उपयोगी साबित नहीं होती है। तो आज जहाँ तक हमने ये निदर्शन का जो टॉपिक प्रारंभ किया, निदर्शन में आज हमने केवल संगठना विधि के बारे में ही जाना। जैसा कि हमने पहले बताया था कि किसी भी अनुसंधान संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए दो प्रकार की विधियों का अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है, संगणना विधि और निदर्शन विधि। तो जब तक हम संगणना विधि को ठीक ढंग से नहीं समझ जाएंगे तो उसमें निदर्शन विधि को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने आज यहाँ संगणना विधि के बारे में कुछ चर्चा की, उसके गुणों के बारे में चर्चा की, उसके दोषों के बारे में चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम निदर्शन विधि के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारा मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम का ये एक टॉपिक है और उस पर अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में आज हम इतना ही और अगले वीडियो में हम निदर्शन पद्धति या निदर्शन विधि के बारे में चर्चा करेंगे।